हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं टाइल लगाने के बारे में। अब यहां एक काफी लोग सोचते हैं टाइल में क्या है लगाने में, बहुत आसान है, सीमेंट्स लगा दिया, केमिकल्स लगा दिया। लेकिन दोस्तों यहां पे देखने की वाली चीज़ ये है कि आजकल टाइल में वैरायटी बहुत ज़्यादा आती है। वैरायटी का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई मैं विट्रोफाइड टाइल या सिरेमिक टाइल या फिर मोज़ेक टाइल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि आजकल जो टाइल आ रही हैं वो कई साइज में आ रही हैं, जैसे कि 1x1 फिट, 2x2 फिट, 3x3 फिट, 2.5x5 फिट और आपकी 6x3 फिट, उसके बाद 4x8 फिट। अब 4x8 फिट पे आते हैं हम, तो 4x8 फिट का साइज आप जानते हैं कितना हुआ? कभी आप अगर कारपेंटर काम आपने कभी करवाया हुआ, अपने घर में अलमारी या कुछ भी बनवाई होंगी, तो प्लाई या बोर्ड आप लेने आते होंगे, तो प्लाई और बोर्ड का जो साइज होता है वो होता है 4x8 फिट का। तो सोचिए 4x8 फिट का साइज है एक टाइल का, एक सिंगल टाइल का, उसको लगाना कितना टफ होगा। अब यहाँ टफ से मैं कंपेयर करता हूँ स्टोन से, कि 4x8 फिट की एक टाइल है और 4x8 फिट का एक स्टोन है। 4x8 फिट का स्टोन तो देखा होगा सिंगल पीस में आपने, लेकिन जब भी स्टोन कभी आपके घर में आपने लगवाया होगा, चाहे टेलन स्टोन हो चाहे कोई भी हो स्टोन हो, तो लोग उसको पत्थर वाले क्या करते हैं, उसको 2 या 3 पार्ट में काट के लगाते हैं। 4x8 फिट का सिंगल पीस नहीं लगाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? लगाने को लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगा पाएंगे, थोड़ा ये है कि हाँ लेबर उसकी ज़्यादा लगेगी और थोड़ा ट्रिकी वर्क हो जाएगा, थोड़ा हार्ड वर्क हो जाएगा, लेकिन लग जाएगा। लेकिन लगने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि वो पत्थर सही से बैठ पाया, सही से सेट हो पाया या नहीं हो पाया। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने पत्थर तो 4x8 फिट का लगवा लिया, अब होता क्या है, इतना बड़ा साइज का पत्थर तो लग गया आपका, लेकिन मोस्टली केसों में ये होगा कि सीमेंट से आपने पत्थर लगवाया तो उसके भी नीचे जो मसाला आपने लगवाया है वो पत्थर से छूट जाता है कुछ दिनों बाद या फिर कुछ महीनों बाद या फिर कुछ सालों बाद। तो जब भी आप कभी पत्थर के ऊपर लकड़ी से कुछ भी ठोकते हैं तो आपको हॉलो का साउंड एक सुनाई देता है। ये होता क्या है कि पत्थर में जो नीचे जो मसाला लगा हुआ है वो मसाले और पत्थर के बीच में गैपिंग आ गई है, तो अगर वहां कोई चीज गिरी तो पत्थर भी टूट जाएगा। तो ये मोस्टली अधिकतर केसों में होता है अगर आप बड़े साइज में पत्थर लगवाते हैं। और छोटे से इसलिए क्या करते हैं अधिकतर लोग पत्थर वाले, कि पत्थर को छोटे पार्टों में काट के, जैसे 6x3 काट लिया या फिर 4x4 फिट का काट लिया, जो भी नॉर्मल छोटा दिखे ना बड़ा साइज दिखे, मीडियम साइज में पत्थर काट के तब वो सेट करते हैं कि ज्यादा ज्वाइंट भी ना आए। तो ये तो केस हुआ पत्थर का। अब सोचिए अगर 8x4 की टाइल आप लेते हैं, तो 8x4 की टाइल आपने एक तो महंगी पड़ेगी पहली बात, सेम कलर की अगर आप 4x2 की टाइल लेते हैं और सेम कलर की अगर 8x4 की टाइल लेते हैं तो लगभग 2 गुने का फर्क पड़ता होगा टाइल के रेट में। फिर उसको लगाने का लेबर जो होगा वो आपसे सिंपल सी बात है ज्यादा चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि टाइल को उठाना, रखना और लगाना बहुत ही रिस्की काम है, हल्का सा चूक हुई तो पूरी टाइल बेकार आपकी, ठीक है? तो यहाँ पे एक थोड़ा रिस्की मामला होता है। तो लगती तो खैर टाइल है ही, दीवारों में लगाए तो और अच्छी बात है, लेकिन अब बात यहाँ पे फंसती है कि आजकल ट्रेंड ये हो गया कि जब भी टाइल को लगाने वाला आपके घर में आता है तो सबसे पहले आपसे बोलेगा कि सर केमिकल से लगवाइए टाइल, केमिकल से बड़ी मजबूत टाइल होती है। अच्छा, आप भी 50 जगह पता करेंगे तो सभी आपसे बोलेंगे केमिकल से लगाओ, सीमेंट से टाइल बिल्कुल मत लगवाओ। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे पॉइंट वाली बात ये है कि आप जो टाइल लगाते हैं तो टाइल हरदम केमिकल से लगाएं ये कोई जरूरी नहीं है, और हरदम टाइल आप सीमेंट से लगाएं ये भी कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी कोई भी चीज़ नहीं है। ये डिपेंड होता है कि वो टाइल का साइज क्या है, उस टाइल का साइज क्या है और वो टाइल आप कहाँ पे यूज कर रहे हैं, फ्लोरिंग में यूज कर रहे हैं, फ्रंट एलिवेशन में यूज कर रहे हैं, दीवारों में या फिर बाथरूम की दीवार में आप लगा रहे हैं, कहाँ पे आप यूज कर रहे हैं उस टाइल को, तो उस हिसाब से केमिकल या सीमेंट का डिसाइड होना जरूरी है। अगर मैं अपनी राय बताऊं आपको तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर 2x4 फिट की टाइल, जैसे कि ये जो टाइल आपको दिख रही है 4x2 फिट की टाइल है, तो 4x2 फिट की टाइल अगर आप लेते हैं और उसको फ्लोर पे लगाते हैं तो इसको आप हरदम सीमेंट से ही लगवाएं। क्यों? इसका एक रीजन ये है कि देखिए आप 4x2 फिट की टाइल मान लीजिए, आप सपोज दैट ये टाइल है आपकी, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको
ये मान लो तो ये एक चारकोल सीट है। अब ये मान लो ये 4 फिट है, ये 2 फिट है। इस टाइप को जब भी आप फ्लोर पर लगाएंगे तो बेंड का इशू कम आएगा। बेंड मतलब ये हमेशा ऐसे बेंड हो जाती है टाइलें। अधिकतर आपको क्या मिलती हैं, या फिर ऐसे मिलती हैं अधिकतर, या फिर ऐसे मिलती हैं उभरी हुई। तो इसके कोने जो है बीच का पोर्शन हल्का सा बेंड रहता है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि बेंड टाइल होगी तो कैमिकल से लगाएंगे तो थोड़ा कम इशू आते हैं। हाँ ये बात सही है कि कैमिकल से आप लगाते हैं अगर फ्लोरिंग पे टाइलें तो थोड़ा सा बेंड के जो इशू होते हैं वो थोड़ी काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिए जाते हैं, लेकिन सीमेंट में ये इशू ज़्यादा आते हैं। लेकिन 4x2 की टाइल अगर आप लेते हैं तो उसमें बेंड का इशू कम आता है। आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, आते हैं लेकिन कम आते हैं। लेकिन उनको सीमेंट से अगर आप लगाते हैं तब भी कोई ज़्यादा इशू नहीं आता है आपके फ्लोरिंग पे। चाहे आप उसको कैमिकल से लगवा के देख लो एक कमरा आप अपने सीमेंट से लगा के देख लो, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं महसूस कर पाओगे ये कैमिकल्स लगाई गई है कि ये सीमेंट से लगाई गई है। हाँ लेकिन अगर आप 5x2.5 फिट की टाइल या फिर 6x3 फिट की टाइल अगर आप फ्लोरिंग पर लगा रहे हैं, उसको आप एक कमरा आप सीमेंट से लगा के देखो, एक कमरा आप कैमिकल्स लगा के देखो, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी टाइल होगी वो सिंपल सी बात है बेंड ज़्यादा होगी। ज़्यादा बेंड हुआ तो आप उसको केमिकल से ही रिकवर कर पाओगे और आप सीमेंट से उसको नहीं बचा सकते हैं। सीमेंट से आप लगाएंगे तो सिंपल सी बात है बेंड ज़्यादा आपको दिखेगा। और ऐसा भी नहीं कि केमिकल में बेंड बहुत ही ज़्यादा छुप जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो होता है उभार वो थोड़ा बहुत दबा दबो के किसी तरह रिकवर कर लिया जाता है, उसको सही कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना, 4x2 से नीचे की जो भी टाइलें हैं वो आप सीमेंट से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और 4x2 से ऊपर की जो टाइल लेंगे आप वो हमेशा आप केमिकल से ही लगवाएं। अब केमिकल से लगाते हैं फ्लोरिंग पे टाइल तो कैसे लगाना है, ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट होता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिंपल से जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कमरा आप देख रहे हैं, यहाँ पे टाइल वाले ने क्या किया है कि पहले फर्श है, क्योंकि सिंपल से आप ग्राउंड फ्लोर मान लीजिए, ग्राउंड फ्लोर हुआ है आपका, तो आप पीसीसी करेंगे। पीसीसी के बाद यह जो आपको फ्लोरिंग दिख रही है, जो कच्ची फ्लोरिंग दिख रही है आपको, कच्ची में जो सीमेंटेड फ्लोरिंग दिख रही है आपको, ये एक्चुअली कोई पीसीसी नहीं है, ये प्लास्टर हुआ है। पहले क्या है, प्लास्टर से एक लेवल किया जाता है, लेवल एकदम 0-0 का लेवल कर दिया है कमरे का। जैसे यहाँ पे पहले प्लास्टर किया गया है, बढ़िया से अच्छे से प्लास्टर किया गया है, फिर दूसरे दिन टाइल लगवाई गई है। दूसरे दिन या फिर 2 दिन छोड़ने के बाद आप टाइल लगवा सकते हो। पहले प्लास्टर करने का रीज़न क्या हुआ, क्योंकि आप केमिकल्स लगा रहे हैं, केमिकल कोई ऐसा तो है नहीं कि आप 50 mm या 25 mm का मोटा आप मोर्टर लगाएंगे। जैसे यहाँ सीमेंट, जैसे आप यहाँ पत्थर में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लगभग आप क्या है, एक ढेर डाल दिया जाता है सीमेंट और मोटर का, उसके ऊपर सीमेंट पानी डाल के या सीमेंट डाल के घोल डाल के तब पत्थर लगाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं टाइल में। नॉर्मली अगर बिना केमिकल लगाए तो कर सकते हैं, लेकिन आप केमिकल्स लगा रहे हैं तो आपको पहले एक प्लास्टर करना पड़ेगा, वो भी लेवल में। इस प्लास्टर के बाद केमिकल क्या है, ज़्यादा मोटा तो हो नहीं पाएगा टाइल पे जब लगाएंगे तो। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत पतली पतली, करीब मुश्किल से एक सूत मतलब 3 से 4 mm की लेयर ही लगती है, 3 से 4 mm मैक्सिमम 5 mm मान लो आप, उतना ही कवर अपने फर्श पे लगाते हैं लोग, 5 से 6 mm 7 mm के आसपास फर्श में। देखिए आप जब केमिकल आप लगाते हैं तो पहले आप अच्छे से इसको इस तरह मिक्स करेंगे, मिक्स करने का मिक्स तो पहले से कर ही लिया है, लेकिन आप इस तरह से पहले कंघे की तरफ फैलाएंगे इसको, फिर आप टाइल पे भी केमिकल कुछ लगवाएंगे, फिर इस टाइल को इस तरह आप यहाँ पे रख के उसको सेट करेंगे। तो तरीका यह लगाने का तरीका मेन इसलिए मैंने बताया, आपको कभी भी केमिकल से फ्लोरिंग लगवानी हो, टाइल की फ्लोरिंग लगवानी हो, तो आपको पहले प्लास्टर ही करना पड़ेगा। बिना प्लास्टर के केमिकल से भी आप अगर फ्लोरिंग करवाएंगे तो कोई भी फायदा नहीं है, सब आपका पूरा पैसा वेस्ट है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ना तो कहें बहुत बुरा फंसेंगे आप, टाइल भी बजेगी, केमिकल आपने इतना महंगा लिया वो, फिर उसकी लेबर भी आप अलग से दे रहे हैं वो। और फिर इसमें क्या होता है कि इस केस में अगर इस तरह आप टाइल लगवाते हैं तो बेंड जो टाइलें होती हैं वो आपकी कम दिखाई देती हैं काफ़ी हद तक। बेंड मिस्त्री जो अगर अच्छा खासा मिस्त्री है तो वो अपना बेंड जो होगा वो आप कम से कम काफ़ी हद तक क्लियर कर देगा, वो आपको बेंड इतना महसूस नहीं होगा। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, कभी भी सस्ते टाइल वाले से, सस्ते मतलब सस्ते भी खैर अच्छे होते ऐसी बात नहीं है, लेकिन काफ़ी अधिकतर होता केसों में क्या होता है, 10 में से 8 लोग ऐसे होते हैं जो सस्ते के चक्कर में आप टाइल लगा देंगे, लेकिन शायद ना लगाना जानता ही नहीं हो लगाना कि कैसे लगानी है टाइलें। तो टाइल वाला बंदा जो भी रखें अपने पास वो थोड़ा प्रोफेशनल बंदा हो, तरीके से काम करने वाला बंदा हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भी कोई बहुत
कंपनी के बंदे नहीं है, ये भी नॉर्मल मिस्त्री हैं, लेकिन काफी हद तक काम अगर उनको आप बताओगे, समझाओगे, थोड़ा सा हिंट दोगे कि ऐसे ऐसे करना है, तो वो थोड़ा अपनी तरफ से भी जो उनका एक्सपीरियंस है वो थोड़ी सी आपकी भी बात मानेंगे, तो दोनों के जब मिक्स हो जाएगा, बातें मिक्स हो जाएंगी, तो थोड़ा सा काम अच्छा हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से टाइल लगानी है आपको, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।